आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, बीटी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जीवाणु बेसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी का उपयोग तितलियों और कैटरपिलर्स के नियंत्रण में होता है। दूसरा है, बीटी के ताजा बीजाणुओं को जल के साथ मिलाया जाता है और बीजों जैसे ब्रेसिकस और फल वृक्षों पर छिड़काव किया जाता है। तीसरा, कीट लार्वा इन्हें खाने के पश्चात उनकी आंत्र में विष के स्रावित होने से मर जाते हैं। चौथा है, बीटी विष जीनों को पादपों को पीड़कों के प्रति प्रतिरोधक बनाने हेतु प्रविष्ट कराया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो हमें यहाँ पे बीटी के बारे में चार कथन दिए गए हैं, सही का चयन करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीटी क्या होता है। बीटी जो है ये एक प्रकार का जीवाणु है और इसका पूरा नाम है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ये इसका पूरा नाम है बीटी का। बीटी जो है ये जीवाणु होता है और ये पाया कहाँ जाता है? मुख्यतः ये मृदा में पाया जाता है और इसको पीड़क प्रतिरोधी के रूप में काम में लेते हैं। पीड़क प्रतिरोधी, इसकी एक जीन होती है बीटी में जो कि विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करती है, विषाक्त या जहरीली प्रोटीन उत्पन्न करती है। इसलिए इसके जीन को अनेक पादपों में प्रवेश कराया जाता है और पादपों में ये जीन अगर प्रवेश कर जाती है जीन, तो वो पीड़क प्रतिरोधी हो जाते हैं। जैसे हम बात करें पादपों में कपास की, तो कपास में इसको प्रवेश कराया गया जिससे इसको पीड़क प्रतिरोधी कराया गया। तो कपास में क्या था? बीटी कपास, इसको हम बोलते हैं बीटी कपास। तो कपास का जो बोल होता है यानी कि जहां उसके फल लगते हैं उनको पीड़क प्रतिरोधी कराया गया। अब हम बात करें कि ये पीड़क प्रतिरोधी कैसे होता है, ये प्रोटीन किस प्रकार से काम करती है। तो कोई पादप है जिसमें ये जीन उपस्थित है इसका, विषाक्त प्रोटीन का, और ये जीन होने के कारण विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करता है वो पादप, विषाक्त प्रोटीन। अब इस पादप को कोई कीट खाएगा तो वो कीट खाएगा तो ये विषाक्त प्रोटीन उसके शरीर में प्रवेश करेगी और ये विषाक्त प्रोटीन जो है उसके शरीर में प्रवेश करके उसके आमाशय में चली जाएगी और आमाशय या फिर उसकी आंत्र में छेद हो जाएंगे, छेद, जिससे कुछ घंटों में उसकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ घंटों में कीट की मृत्यु हो जाएगी, कीट की मृत्यु। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया के द्वारा बीटी जो है ये पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया पाई जाती है इसमें। अब हम बात करें इसको काम में किस प्रकार से लिया जाता है, तो या तो इसकी जीन पादपों में प्रवेश करा दी जाती है। उसके अलावा एक तरीका ये होता है कि बीटी या फिर बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो है इसके बीजाणु, बीटी के बीजाणु पानी के साथ मिला दिए जाते हैं और पानी के साथ मिलाकर इसके घोल को पौधों पर छिड़का जाता है, पौधों पर या फिर फलों पर छिड़का जाता है छिड़काव, और इस प्रकार से इनको प्रतिरोधी बनाया जाता है पीड़कों के प्रति। तो ये प्रक्रिया होती है बीटी के बारे में, ये विशेषताएं हैं। तो पहला हमें दिया गया है, जीवाणु बेसिलस थुरिंजिएंसिस का उपयोग तितलियों और कैटरपिलर्स के नियंत्रण में किया जाता है। तो ये बात सही है। बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो है ये मुख्यतः कीट प्रतिरोधी होता है और कीट में जैसे हम बात करें तितली, उसके अलावा कुछ लार्वा होते हैं, लार्वा, मौत, तो ये अनेक प्रकार के कीट होते हैं जिनके प्रति इनको प्रतिरोधी होते हैं। दूसरा है, बीटी के ताजा बीजाणुओं को जल के साथ मिलाया जाता है और बीजों जैसे ब्रेसिकस और फल वृक्षों पर छिड़काव किया जाता है। तो ये बात भी सही है, जल के साथ मिलाकर घोल बनाया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है। तीसरा है,
कीट लार्वा इन्हें खाने के पश्चात उनकी आंत्र में विष के स्रावित होने से मर जाते हैं, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं विष स्रावित तो होता है जिसे आंत्र में छेद हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। चौथा है बीटी विष जीनों को पादपों को पीड़कों के प्रति प्रतिरोधक बनाने हेतु प्रविष्ट कराया जाता है। तो ये बात भी सही है, जैसे हमने कपास में देखा था कि उनके जीन प्रवेश कराए जाते हैं और पीड़क प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो ये सारे ही कथन यहाँ पे सही है। तो पहला दिया गया 1, 2 और 3 तो ये गलत है क्योंकि चौथा भी सही है। दूसरा विकल्प है 1, 3, 4 तो ये भी गलत है। तीसरा 2, 3, 4 तो ये भी गलत है। चौथा 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। तो इस प्रकार से ये विकल्प सही हो जाएगा। तो हमारा उत्तर है यहाँ पे विकल्प नंबर 4। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।